हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इच गार्ड क्रीम के बारे में, जो कि मार्केट में काफी पॉपुलर है। इचिंग प्रॉब्लम के लिए, फंगस प्रॉब्लम के लिए काफी खास क्रीम है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं इच गार्ड क्रीम के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, और आप इसे किस पर्पज में इस्तेमाल करेंगे, आपको फायदेमंद होगा, इसे क्या इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि नहीं है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं आपके इच गार्ड क्रीम के बारे में, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर बात करें कंपनी के, तो ये रैकेट कंपनी की बनाई हुई मेडिसिन है। इसके अलावा यह आपको छोटे बड़े पैकिंग में मिल जाती है। आपको 25 ग्राम की पैकिंग में आपको 70-78 रुपीज के अराउंड आपको मिल जाती है, और इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। तो यह बात किया हमने इच गार्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें कॉम्बिनेशन। तो इसमें काफी सारे कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 2-3 कॉम्बिनेशन है, जो कि इसमें से मेन कॉम्बिनेशन क्लोट्रिमाजोल है, जो कि फंगस के ऊपर काम करने में काफी फायदेमंद है। फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, फंगस को बढ़ने नहीं देता है, जो कि स्किन एलर्जी होने के बाद स्किन का रूखा हो जाना, सफेद रेसेस हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम को दूर करने में काफी यूजफुल है। अगर हम बात करें इसके क्या क्या फायदे हैं और आप इसे किस किस पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसे एक्जिमा की प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेशन में भी काफी फायदेमंद है, जैसे इचिंग के कारण हाथों में सूजन आ जाने, उसमें भी काफी यूजफुल है। इसके अलावा पसीने से होने वाली एलर्जी में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फंगस को इन्फेक्शन को रोकने का काम भी करता है, फंगस इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता। तो आप अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का नुकसान नहीं है, और ये काफी फायदेमंद है। तो यह हमने बात की इसके फायदे के बारे में। हम बात करें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप किसी तरह का मेडिकेटेड सोप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस मेडिकेटेड सोप को या नॉर्मल सोप को भी छोड़ दें, नहीं लगाएं। आप किसी अच्छे मेडिकेटेड को सोप का इस्तेमाल करें, और जब भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें, जिस एरिया पे भी आप इस इस्तेमाल करें, उस एरिया को अच्छे से धो लें। धोने के लिए आप किसी अच्छे मेडिकेटेड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद, धोने के बाद आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसे लगाते वक्त अच्छे से रगड़े नहीं, आप इसको हल्के हाथों से लगा के छोड़ दें। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स, तो उसके किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो यही था इच गार्ड क्रीम के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो रही जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।